फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लकीशा फूड ब्लॉग। तो दोस्तों बारिश का मौसम हो और साथ में आलू प्याज के पकोड़े हो तो दिन काफ़ी खुशगवार बीतता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए आलू प्याज के पकोड़े की रेसिपी। अभी ये मानसून सीजन शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे शहर में काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज के पकौड़े। तो देखिए सबसे पहले हमने बेसन लिया और इस बेसन में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, डाइजेस्टिव होती है काफ़ी। और इन सभी को अच्छी तरह से सबसे पहले तो मिक्स कर लेंगे ताकि हमने जो मसाले डाले हैं ये मसाले बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम चॉप किए हुए प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे। तो प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया इन सभी को हमने चॉप कर लिया था बारीक बारीक और इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हरा प्याज हरी मिर्च है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसका बैटर तैयार कर लेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको पानी डालना है और इसका जो बैटर है ये काफ़ी थोड़ा सा आपको थिक रखना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने आलू प्याज को चॉप कर लिया है और फ्राइंग पैन में हमने तेल चढ़ा दिया। तो तेल गर्म हो रहा है, जब तक देखिए जो बैटर तैयार किया है वो हल्का सा थिक रहेगा, तो मीडियम आँच होने पर कुरकुरा होने तक आपको फ्राई करना है। तो देखिए हमने आलू को इस बैटर में मिक्स करके तेल में डाल रहे हैं और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए और कुरकुरा होने तक आप इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए ये हमारे आलू के जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो वन साइडेड फ्राई हो चुके हैं और ये देखिए दूसरी तरफ भी फ्राई हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लिए हमने पहला स्लॉट और अब दूसरा स्लॉट हम प्याज के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो प्याज को बैटर में डाल के देखिए दोनों तरफ से हम इसको बैटर लगा लेंगे और तेल में डालेंगे। तो हमारे आलू प्याज के पकौड़े यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो प्याज और आलू के पकोड़े का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी शानदार होता है। तो बारिश का सीज़न हो तो आप एक बार आलू प्याज के पकोड़े और चाय के साथ में ज़रूर लीजिएगा तो दिन बिल्कुल खुशगवार बीतता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और आप इनको टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पकौड़े को फैमिली के साथ में आप इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।